कुछ तो बना रहे हैं लोग, मजा आता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही थी, दूसरे पे ध्यान दे रही, अब खुद पे ध्यान दे रही। हम बात करते हैं, गाने पे आते हैं। अखिला जी, क्या कुछ नया साल में गाने तड़का भड़का आ चुका है और आने वाला है? गाने पे आते हैं, गाने तो बहुत सारे आ रहे हैं। अभी गाना जस्ट आया है, गाना आया, दुनिया आया, एंड देन दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। उसके अलावा फिल्मों के गाने आ रहे हैं, मरद के भी हल दर्द, उसके अलावा उसमें भी मैंने गाया है। और क्या फिल्में जो आ रही हैं, क्या उसमें भी गाना गा रही हैं अब? हाँ, अभी गाया ना मैंने रिसेंटली, शुभगढ़ी आयो का गाना रिलीज हुआ है परसों, जिसका नाम है मरद के दिहल दरद। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा गाना है जो कि मैंने और कल्लू जी ने गाया है साथ में। और यस, उसके बाद अभी और भी जल्द गाने आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक और गाना आया था। वो आपको लोग कंट्रोवर्सी क्वीन बना दिए भोजपुरी का, आखिर क्या कारण रहता है बोलते हैं लोग? बनाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो बना रहे हैं लोग, मजा आता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। तो मैं मतलब चलते चलते अब करूँ, उससे अच्छा मैं अपने काम पे ध्यान दूं। तो लोग तो कहेंगे अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, इसलिए अपना अपने धुन में चलने का। संगीत को लेकर के क्या कुछ नया तैयारी किया है आपने? संगीत को लेकर के मैंने तैयारी क्या किया है, आए दिन कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, सीखने की कोशिश है, इसलिए तैयारी क्या ही कहूँ मैं अभी। जो नए लड़के या लड़कियां संगीत क्षेत्र में आना चाहती हैं, जो संगीत सीख रही हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह ये देना चाहती हूँ कि अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, खूब सारा मेहनत करके, खूब सारा रियाज करके अपने आप को उस लेवल का बनाइए, और फिर इस लाइन में कदम रखिए और अपने आप को और बेहतर बनाते जाइए। और क्या, और आप क्या आजकल ले रही हैं डाइट में? डाइट में आई एम ऑन डाइट, वो मैं बताऊंगी नहीं कि मैं क्या ले रही हूँ डाइट में नहीं तो सब रिवील ही हो जाएगा। अच्छा कल 26 वर्कआउट चल रहा है और साथ ही डाइट भी चल रहा है, बैलेंस्ड। लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, मतलब खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान दे रही है ऐसा लग रहा है पब्लिक को। जी, लॉकडाउन के बाद नहीं, बहुत समय से मैं खुद पे ध्यान दे रही हूँ। पहले अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही थी, दूसरे पे ध्यान दे रही, अब खुद पे ध्यान दे रही समय बहुत बर्बाद किया मैंने। अच्छा, इसलिए अब पूरा अपने आए दुरुस्त आए। चलिए, अच्छी बात है। कल 26 जनवरी है, क्या कुछ प्लानिंग है? 26 जनवरी की प्लानिंग ये है, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं एडवांस में। और तैयारी क्या, सेट पे हम लोग झंडा फहराएंगे और अपने दुश्मनों को जलाएंगे। दुश्मनों को काहे के लिए जलाएंगे भैया, दुश्मन भी खुश रहे। अच्छा, दुश्मन के लिए भी काहे बुरा सोचना। मेरा एक लॉजिक है लाइफ में, वो ये है कि जब आपको कोई पोक करे तो फिर आप चुप ना बैठे, तब आप जवाब दें, और उनका भी बुरा ना सोचें जो आपका बुरा सोचते हैं, क्योंकि नियत जो है ना, वो नियत लौट के आपके पास आती है। इसलिए मैं दुश्मनों का भी बोलती हूँ भला करे, भगवान उनका भला करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच।